बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक हरफिया से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और घर का नक्शा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो करते हैं जी आज के इस नक्शे को डिटेल के साथ डिस्कस। मैं आपके साथ हर चीज इसमें डिटेल मेंशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं इसके साइज की तरफ। हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है, इस घर का मेन साइज मिलेगा आपको, वो मिलेगा 55 फिट बाय 60 फिट। जिसमें 55 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आने वाली है प्लॉट की, और तकरीबन 60 फीट हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और आप इसको बनाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो आ जाते इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से करते हैं स्टार्ट। तो मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें राइट साइड पे। मेन गेट का साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 16 फीट वाइड का, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक 12 मरले का घर है तो इसमें आपके पास कुछ बड़े साइज का ही गेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास साइडों पर बनाए जाएंगे इस गेट के लिए कॉलम, और साइडों में हमारे पास आ जाएगी इसमें छोटी सी बाउंड्री वॉल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा एक अदर लॉन, एक अदर फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी, और इसमें आप अपने ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 37 फीट बाय 8 फीट। 37 फीट हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो आप इसमें अपनी चेयर वगैरह भी रख सकते हैं, सीटिंग वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक कारपोर्ट, जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी। बड़े प्लॉट का घर का प्रपोजल है तो आपको इसमें दो बड़ी गाड़ियां भी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर कवर्ड एरिया है कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, जिसको हमने शेड की सूरत में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है। इसके साथ जैसे आप मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टेप, और एक अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगा डबल डोर, जो कि रह जाएगा आपको आपके स्टेयर हॉल एरिया में। इसमें आपको मिलने वाली है स्टेयर, सिंपल सी रेगुलर सी आपको इसमें स्टेयर मिल जाएगी, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके नीचे आप एक कलर बाथ भी बना सकते हैं, जिसको आप इस वाले ड्राइंग वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें छोटी छोटी सी विंडोज आ जाएंगी, जो कि आपको अंदर रोशनी और हवा वगैरह भी प्रोवाइड करती रहेंगी इस वाले स्टेयर हॉल एरिया में। इसके साथ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक अदर डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि जैसे आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा एक अदर डोर ड्राइंग के लिए, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा ड्राइंग का 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमने दिया है इसको इधर से लेकर इधर तक का। जबकि इस वाले ड्राइंग की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है एक बाहर की तरफ विंडो, जो कि ओपन हो जाएगी इस वाले लॉन में, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके साथ ही आगे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डबल डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या इसकी जगह आप एक अदर डॉट भी बना सकते हैं, या इसमें आप अपना स्लाइडिंग डोर भी लगा सकते हैं। मगर हमने इसमें सिंपल सा डोर लगाया है। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदर टीवी लाउंज, सिटिंग एरिया मिल जाएगा। इससे पहले आपको आगे की तरफ मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अदर मास्टर बेडरूम, काफी अच्छे और बड़े साइज का आपको इसमें बेडरूम प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 17 फीट बाय 13 फीट। 17 फीट हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो साइज के लिहाज से आपको बहुत ही अच्छे साइज का इसमें बेडरूम मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के लिए सेपरेटली आपको इसमें एक स्पेस मिल जाएगी, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 6 फीट। 4 फीट ये हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक बाथ। बाथ के साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 8 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट 8 इंच हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि बेडरूम की वेंटिलेशन और बाथ की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसके लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी एक अदर विंडो, यानी कि मास्टर बेडरूम की आपकी विंडो एक अदर ओपन हो जाएगी इस वाले फ्रंट ओपन लॉन में, जबकि एक अदर लेफ्ट साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी। याद रहे कि आपके पास लेफ्ट साइड पे एक अदर 3 फीट वाइड का पैसेज आ जाएगा। इसके अलावा इस वाले बाथ की भी एक अदर वेंटिलेटर आपका इसी वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा। इसके साथ जैसे ही आप मजीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसी के साथ ही एक अदर किचन, इस घर के लिए आपको एक अदर किचन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 12 फीट बाय 9 फीट। 12 फीट ये हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें हमने दिया है एक अदर डॉट, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदर डोर वगैरह दे सकते हैं। 3 फीट वाइड वाले पैसेज में ही आपकी इसकी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अदर छोटा सा डोर भी दे सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर से भी एक्सेस ले सकते हैं इस वाले पैसेज में जाने के लिए।
बहरहाल इसके लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक अदर लाउंज, एक अदर आपको काफी बड़े साइज का सिटिंग एरिया मिल जाएगा जिसमें आपके सेंटर में सोफा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, जबकि पीछे वाली जगह को आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह में एंट्रेंस ले सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 19 फीट बाई 20 फीट 6 इंच। 19 फीट हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 20 फीट 6 इंच हमारे पास आ जाएगी इसमें लंबाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके अलावा टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक अदर ओपन एक अदर स्लाइडिंग डोर आ जाएगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर से इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए, या सर्विंग वगैरह भी इजीली आप इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, या इसकी जगह आप इसमें सिंपल डोर भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप जैसे मजीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे पीछे दो अदर मजीद बेडरूम। और सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को, तो इस वाले बेडरूम को आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाएगी एक अदर एंट्रेंस डोर की सूरत में, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 14 फीट आ जाएगा ये हमारे पास चौड़ाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट आ जाएगा हमारे पास ये लंबाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और इसी के साथ साथ इसके वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है लेफ्ट साइड पे एक बड़ी सारी विंडो, और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगी दो अदर छोटी छोटी सी विंडोज, और इसी के साथ ही हमारे पास बैक साइड पे भी मिल जाएगा एक 5 फीट वाइड का पैसेज, यानी कि घर के इस वाले प्रपोजल में आपके बाई लाज को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया है जिसमें आपके चारों तरफ में आपको ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसका बेडरूम के लिए एक अदर अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 9 फीट, 7 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसके भी एक अदर वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा बैक साइड वाले पैसेज में। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टोर, इस घर के लिए आपको एक अदर छोटा सा स्टोर भी मिल जाएगा कुछ चीजें वगैरह स्टोर करने के लिए, तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 9 फीट, 10 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसी में ही आपको एक अदर मिल जाएगा छोटा सा डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजिली अंदर से भी एक्सेस ले सकते हैं पीछे वाले पैसेजेस में जाने के लिए, बराबर अगर आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर मजीद मास्टर बेडरूम, और इसको एंट्रेंस मिलेगी डोर मिलेगी इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 3 इंच बाय 14 फीट, 13 फीट 3 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई, और इस वाले बेडरूम की भी एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपके बैक साइड पैसेज में। इसके अलावा दो अदर छोटी छोटी सी विंडोज ओपन होने वाली है राइट साइड वाले पैसेज में, यानी कि राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा एक अदर 3 फीट वाइड का पैसेज। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक काफी बड़े और ह्यूज साइज का ड्रेसिंग आपको इसमें मिल जाएगा, और इसके साइज की बात करें तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट बाय 8.5 फीट का, 5.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 8.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसी के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर बाथ, एक अदर अटैच बाथ मिल जाएगा, और इस वाले बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7.5 फीट बाय 8.5 फीट, 7.5 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 8.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका राइट साइड वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा। बहरहाल इसमें आप किसी भी बाथ पे अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छे और बड़े साइज के बात वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 55/60 का ये एक अदर हमारे पास घर का प्रपोजल था जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ, मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक अदर लॉन, इसमें आपको एक अदर काफी अच्छे और बड़े साइज का लॉन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगी दो अदर कार पार्क स्पेसिंग के साथ एक अदर कार पोर्च, और इसके ऊपर हमारे पास कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास पीछे की तरफ और दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे कुछ पैसेजेस वगैरह जिसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी, और सामने की तरफ आ जाएगा हमारे पास एक अदर डबल डोर, और जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने में मिल जाएगा एक अदर स्टेयर हॉल एरिया जिसमें आपको मिल जाएंगी रेगुलर सी स्टेयर जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक अदर ड्राइंग रूम, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डबल डोर। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग बाथ के लिए स्पेस मिल जाएगी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें किचन पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ आ जाएंगे हमारे पास इसमें दो मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह मिल जाएंगे, और सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर स्टोर, अगर आप चाहें तो इसको एज अ लॉन्ड्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लिए मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करते जाएं क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से घरों के नक्शे आइडियाज वगैरह दिखाई जाते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दो में याद रखेगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।